छतरपुर के जिला अस्पताल में उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब एक हफ्ते से हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मियों का प्राइवेट सफाई कर्मियों से विवाद हो गया। दरअसल स्थायी नौकरी की मांग को लेकर अस्पताल के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पताल में अव्यवस्था को देखते हुए प्राइवेट कर्मचारियों को बुलाया गया था, जिसके बाद यह विवाद हुआ। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से अस्पताल की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है, जिससे अस्पताल में गंदगी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए सफाई ठेकेदार बाहर से सफाई कर्मियों को लेकर अस्पताल की सफाई व्यवस्था करवा रहा था, तभी हड़ताली सफाई कर्मियों और प्राइवेट सफाई कर्मियों के बीच विवाद हो गया। हड़ताली सफाई कर्मियों ने इन प्राइवेट कर्मियों की पिटाई कर दी। अस्पताल में विवाद की स्थिति निर्मित होने पर जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंच गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने बैठक कर सभी सफाई कर्मियों को वापस काम पर लौटने को कहा। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन ने आरोप लगाए हैं कि हड़ताली सफाई कर्मी अस्पताल की सफाई व्यवस्था प्रभावित करने के लिए रात में नलों की टूटियां तोड़कर चले जाते हैं, जिससे अस्पताल के कमरों में पानी घुस रहा है। सफाई की व्यवस्था के बारे में ब्रीफ में ये थे कि सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ 45 कर्मचारी लगे हुए थे, दैनिक वेतन दर पे, कलेक्टर दर पे 45 कर्मचारी लगे हुए थे। शासन का आदेश आया, जुलाई में आया, 8 अक्टूबर को फिर से आया कि सभी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, आउटसोर्स से जो भी कर्मचारी हैं, उनका ईपीएफ कटना है। उसमें 10% शासन उनको ईपीएफ का पैसा शासन जमा करेगी। तो सफाई कर्मचारियों के हित में ध्यान रखते हुए उनको कि उनका बीमा कटने लगे, उनको अतिरिक्त वेतन 1,000 रुपये महीने का अतिरिक्त वेतन का फ़ायदा शासन की तरफ से उनको कराया गया था, लेकिन रोगी कल्याण समिति से किसी का ईपीएफ नहीं काटा जा सकता, इसके लिए आउटसोर्स एजेंसी को उनको दिया गया था। कलेक्टर दर पे उनको मानदेय जैसे मिलता था वैसे मिलना है, 10% अतिरिक्त उनको पैसा उनका बीमा में जमा होना था। ये उनके फ़ायदे के लिए शासन ने कार्य कराया था। जो 45 कर्मचारी पहले काम कर रहे थे उनको हमने 45 कर्मचारियों का ही उसको आउटसोर्स के ठेकेदार को दिया गया था, कोई भी कर्मचारी ना निकाला गया था ना जोड़ा गया था। अभी जैसे सिविल सर्जन के द्वारा जानकारी मिली है कि यहाँ के कुछ आउटसोर्स के कर्मचारी लगभग 45 हैं, उनके द्वारा कुछ अपनी मांगे अस्पताल प्रबंधन के सामने रखी गई है, लेकिन वो इस टाइप की मांगे हैं जो तत्काल उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। उनके द्वारा जहाँ तक जानकारी मिली है कि स्थाई रद्द करने की मांग की जा रही, जो कि शासन स्तर पर ही होती है, लोकल प्रशासन के द्वारा नहीं होती है। अब उनको ऐसा लगता है कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है, इसलिए कुछ दिनों से वो हड़ताल पे हैं, और उनको ये जानकारी मिली होगी कि उनके हड़ताल पे चले जाने से अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है। तो सिविल सर्जन के द्वारा अन्य कर्मचारी बुलाए गए जिनके द्वारा सफाई का कार्य किया जाना था, लेकिन इसी बीच में जो हड़ताली कर्मचारी वो आए हैं, उन्होंने उनका विरोध किया और यहाँ पे अस्पताल में जो पानी सप्लाई की पाइप है उसका वाल वगैरह खोल करके पानी फैला दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।